बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो के सब स्टूडेंट्स कैरियर से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी क्लास प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट वन, और हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टडी कर रहे थे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर थर्ड से रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास में हम अपना एक नया क्वेश्चन सीखेंगे। हमारा चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट थे उसके मुताबिक हम ये पढ़ रहे थे। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बिजनेसमैन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, कि एक कारोबारी आदमी क्या होता है और कारोबारी आदमी की जो खसूसियात हैं, एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियत कौन सी है, तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेसमैन क्या है। बिजनेसमैन कौन होता है, कि एक ऐसा आदमी जो कोई भी कारोबार करता है मुनाफा कमाने के लिए, उसे हम बिजनेसमैन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है, बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि एक ऐसा आदमी जो चीजों की खरीदो फरोख्त के साथ मुंसलिक होता है और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, या चीजों या खिदमात की पैदावार के साथ उसका ताल्लुक होता है मुनाफा कमाने के लिए। तो मतलब एक ऐसा आदमी जो चीजों की खरीदो फरोख्त करता है या खिदमात की पैदावार या खरीदो फरोख्त करता है मुनाफा कमाने के लिए, उसे हम बिजनेसमैन का नाम देते हैं। इसी तरह से एक और डेफिनेशन है कि हर वो आदमी जो किसी भी तरह के कानूनी काम के साथ इंगेज होता है, उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। वो बिजनेसमैन एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, एक फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है, एक कंसल्टेंट भी हो सकता है और एक कॉलेज का मालिक भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन है, एवरी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद एनी लीगल एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, हर वो आदमी कि जो किसी भी तरह के जायज काम के साथ मुंसलिक है, वो आदमी द पर्सन मे बी आ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स और कंसल्टेंट और ओनर ऑफ ए फैक्ट्री, कि वो आदमी किसी भी जो चीजों का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है या फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है। तो ये तो दो डेफिनेशंस थी जो आज के क्वेश्चंस की हमने करनी है। तो एटलीस्ट जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो कम से कम दो डेफिनेशन आपकी जरूर होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, कि एक अच्छे बिजनेसमैन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिटीज कौन डिस्कस करेंगे, तो दो तरह की क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल क्वालिटीज, यानी कि उसकी जो जाती खूबियां हैं जिसे हम जाती उसाफ कहते हैं, वो जाती खूबियां कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है दूर अंदेश, दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला। तो जो एक अच्छा कारोबारी आदमी होता है वो हमेशा अपने माजी की कारकर्दगी पे नजर रखता है और मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। और दूर अंदेश आदमी या पेशबानी करने वाला आदमी वही होता है जो अच्छी मनसूबाबंदी कर सकता हो, और एक जो दूर अंदेश आदमी होता है जब वो अच्छी मनसूबाबंदी करेगा तो डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट है वो भी पहले से बेहतर होगा और पहले से ज्यादा होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई आदमी को बिजनेसमैन फोरसाइट नहीं है, दूर अंदेश नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस वो जिंदगी में मिलेंगे कि जब वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता होगा कारोबार में, लेकिन वो मौका वो हाथ से कमा देगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है हार्ड वर्किंग, मेहनती, यानी कि एक कारोबारी आदमी को मेहनती होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो कारोबारी आदमी के लिए जरूरी है कि वो मेहनती हो और हालात का मुकाबला करना जानता हो, और हालात के मुताबिक फिर देर तक काम करने की उसको आदत होनी चाहिए। अगर वो देर तक काम करने की हलगित रखता है, काहल और सुस्त नहीं है, हर काम को जाफिशानी से जमा मर्दी से करता है, तो वो कारोबार में हमेशा जो नफा हासिल करेगा। लेकिन अगर वो आदमी सुस्त है तो कभी भी कारोबार में तरक्की नहीं कर पाएगा। इस तरह से आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। तो इस्लाम, जैसा कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हम तमाम लोग मुसलमान हैं, तो इस्लाम ने हर काम ईमानदारी से करने और ईमानदारी से सर अंजाम देने की तलकीन की है।
तो इसी तरह कारोबारी आदमी को भी चाहिए कि वो किसी भी कि कोई भी काम करना हो कारोबार से रिलेटेड, तो किसी को धोखा ना दे, यानी कि किसी शय के अंदर कोई मिलावट ना करे, अशिया को फरोख्त करते वक्त वो किसी धोखे से किसी फ्रेब से इस तरह की मतलब कि डिसऑनेस्टी से काम ना ले, हमेशा सच्चाई को अपनी अपनी जात का हिस्सा बना ले, ईमानदारी को कभी ना छोड़े, और अगर इस तरह वो ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से कारोबार करेगा तो उसके कारोबार की जो गुडविल है यानी कि जो साख है वो पहले से मजीद बेहतर होगी। तो नेक्स्ट लेट हमारे पास आगे है जी मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि बासूल, सबसे जो अच्छी एक बात है कारोबारी आदमी के अंदर वो ये होनी चाहिए कि उसे बासूल होना चाहिए, यानी कि अपने असूलों पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मतलब सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जब वो बासूल होगा, जब वो तमाम काम अपने जो बनाए हुए असूल हैं, जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, उनके उन प्रिंसिपल्स के तहत बिजनेस को करेगा तो उसका कारोबार मजीद बेहतर से बेहतर और वसी से वसीतर होता चला जाएगा। इस तरह अगर आगे चले तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्फिडेंट। तो एक बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंट आदमी होना चाहिए, एक पूरा एतमाद आदमी होना चाहिए, उसमें इतनी ताकत इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने फैसले अच्छे तरीके से कर सके। कारोबार की जो ऊंच नीच है नफा नुकसान तो वो चलता रहता है, वो कारोबार में होता रहता है, तो उसे उन जो ये इस तरह के क्राइसिस बिजनेस में अगर आ जाते हैं तो उन्हें उन क्राइसिस को भी कॉन्फिडेंट होकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा जो पुरेतमाद आदमी होता है वही मौके की मुनासबत से बेहतर फैसला करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट है जी लीडरशिप, यानी कि कायदाना सलाहते। लेकिन जिस तरह एक कोई भी एक बस है अगर वो ड्राइवर के बगैर नहीं चल सकती, तो इसी तरह एक बिजनेस भी एक लीडर के बगैर नहीं चल सकता। तो कारोबारी आदमी में कायदाना सलाहियतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक अच्छा लीडर होगा तो कारोबार को वसी करने और कारोबार में ज्यादा मुनाफे के चांसेस होंगे। ठीक है जी, मुनाफे में हमारा जो इजाफा वो भी पहले से बेहतर होगा, क्योंकि कारोबार के साथ सिर्फ वो आदमी ही अटैच नहीं है, कारोबार में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुलाजमीन होती हैं। अगर उन मुलाजमीन को एक अच्छा लीडर मिलेगा, उनको लीड करने वाला शख्स अच्छा होगा, तो मुलाजमीन दिल जमी से काम करेंगे और उन मुलाजमों के ऊपर जो मालक का असर सुखा वो भी बेहतर होगा, अगर मालक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बेहतर होंगी तो। और इसकी जो आखिरी खूबिया जी पर्सनल क्वालिटीज में से वो है पेशेंस, यानी कि तहम्मुल मिजाजी। तो कारोबारी आदमी को तहम्मुल मिजाज भी होना चाहिए। जो तहम्मुल मिजाजी है वो किसी भी कारोबारी आदमी का सबसे बड़ा एसेट होती है, सबसे बड़ा असासा होती है। अगर इसे कोई बात नागवार गुजरती है या इसे कोई बात बुरी लगती है तो उसे भी तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई इस तरह की बात पे गुस्से से कोई फैसला लेगा तो गुस्से में किए गए फैसले हमेशा कारोबारी आदमी के लिए या किसी भी पर्सन के लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये थी कुछ पर्सनल क्वालिटीज। अब हम देखते हैं कि उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर प्रोफेशनल क्वालिटीज की बात की जाए तो प्रोफेशनल क्वालिटीज में सबसे जो पहली खूबी है उसकी वो है एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि मनसूबाबंदी और तंजीम की काबिलियत। तो हम जानते हैं कि किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे कारोबार उस काम का अख्ताम भी अच्छे तरीके से होगा। तो कारोबारी आदमी में भी मनसूबाबंदी और तंजीम की काबिलियत का होना बड़ा जरूरी है, और कोई भी फैसला करने से पहले इससे मुतबादल तजावीज पर भी गौर करना चाहिए कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं होगा तो हमें प्लान बी कौन सा मरतब देना है, क्योंकि इसके बगैर कारोबार की तरक्की नामुमकिन होती है, कारोबार में हम जो है वो तरक्की हासिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट है कैपिटल। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि जिस तरह इंसानी जिस्म के लिए खून जरूरी होता है, इसी तरह कारोबार के लिए सरमाया भी जरूरी होता है, यानी कि सरमाया का हसूल कैसे होगा। तो सरमाया के बगैर कारोबार करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अच्छा कारोबारी आदमी तमाम दस्तयाब जराये से सरमाया हासिल करता है, क्योंकि सरमाया कामयाबी की जमानत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक कामयाब कारोबार चला सकते हो, और इसको कारोबार में वही हैसियत हासिल होती है जो कि किसी भी जिस्म में किसी भी इंसानी जिस्म में खून को हैसियत हासिल होती है। तो लिहाजा जो कैपिटल है वो बड़ा जरूरी समझा जाता है। तो ये इसके अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए बिजनेसमैन के अंदर कि उसने अपने कौन कौन से वसाइल हैं जिनसे उसने अपना सरमाया इकट्ठा करना है।
नेक्स्ट है जी एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि तजर्बाकार। आप कहते हैं तजर्बे का कोई सानी नहीं होता, कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए तजर्बे का होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी चीज में तजर्बा हासिल नहीं करते, तो आप उसमें इतने ज्यादा जो कारोबार को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। तो कहते हैं कि कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए तजर्बे का होना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। ना तजर्बाकार के मुकाबले में जो कारोबारी आदमी है, जिनके तजर्बाकार आदमी है, वो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, कारोबार को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वह टेक्निकल स्किल, फनी महारत। अब एक अच्छे कारोबारी आदमी की ये भी एक खसूसियत है कि उसे किसी न किसी काम में माहर होना चाहिए, किसी न किसी काम के अंदर उसको तकसीस हासिल होनी चाहिए। तो अच्छे कारोबारी आदमी के लिए तकसीस इलम और फनी महारत का होना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। इसे अपने मैदान में यानी कि तकसीसी इलम में, तकसीसी इलम पर अबूर हासिल होना चाहिए। कोई ना कोई उसके पास टेक्निकल स्किल हो। एक अच्छा कारोबारी आदमी अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो अच्छा अकाउंटेंट हो। अगर वो मतलब कि इंजीनियर है तो अच्छा इंजीनियर हो। अगर इस तरह से उसके पास कोई भी टेक्निकल स्किल है, कोई कंप्यूटर रिलेटेड वो एक्टिविटी करना चाहता है या कंप्यूटर का उसके पास नॉलेज है, तो उसमें वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए ताकि अपनी कारोबार को अच्छे तरीके से चला सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डिजायर ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि तरक्की की ख्वाहिश। तो देखिए जब किसी शख्स के अंदर तरक्की करने की ख्वाहिश ही पैदा नहीं होगी तो वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। तो कारोबारी आदमी हमेशा अपने कारोबार की तरक्की और मुनाफा में इजाफे का ख्वाह रहता है। अगर उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है कारोबार में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की, ज्यादा इजाफा करने की, तो कभी भी कारोबार में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो अगर जिस पर्सन के अंदर, जिस कारोबारी शख्स के अंदर, कारोबार के अंदर तरक्की करने की ख्वाहिश है, तो इस ख्वाहिश की बदौलत वो कारोबार को ज्यादा तरक्की याफ्ता बना सकता है या उसका कारोबार ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एबिलिटी ऑफ इनोवेशन, यानी कि जदीदियत। यानी कि अगर हम कारोबार के अंदर किसी तरह की कोई जदीदियत नहीं लेके आते, तहकीक नहीं करते, हम कारोबार के अंदर तहकीक करने की जुस्तजू नहीं है, तो कारोबार फिर भी हम अपने कारोबार में वसत पैदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा तहकीक और जुस्तजू की बदौलत कारोबार में वसत पैदा होती है। कारोबारी आदमी खूब से खूबतर की तलाश में रहता है और कारोबार को तरक्की की राह पर डालकर अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। तो लिहाजा अगर आप एक अच्छे कारोबारी आदमी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर तहकीक करने की, रिसर्च करने की जुस्तजू होनी चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, हमांगी का मतलब है कि कारोबारी आदमी जो है ना अपने तमाम शोबों में, जब मुख्तलिफ शोबों में जो लोग काम करते हैं उन तमाम मुलाजमीन के साथ मुकम्मल रबत में हो, उनके साथ हमांगी हो, उनके साथ अच्छा उसका कोऑर्डिनेशन हो। तो जब उनका कोऑर्डिनेशन यानी कि कारोबारी आदमी की जो हमांगी है अपने दूसरे सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छी नहीं होगी, उनके साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तो मिलजुल के काम करने का उसके अंदर हुनर नहीं होगा, तो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल यानी कि कामयाब नहीं बना सकेगा। जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए जरूरी है वो ये उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस नॉलेज, यानी कि कारोबार की तालीम और तरबियत या कारोबार का नॉलेज। तो अच्छे कारोबारी आदमी को अपने कारोबार से मुतल्लक ना सिर्फ तालीम हासिल होनी चाहिए बल्कि इसको जदीद पैदावार और तकसीम के बारे में भी तरबियत हासिल होनी चाहिए कि आज के जदीद दौर में हम कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किन कवानीन के ऊपर हमने काम करना है, किन कवानीन के तहत हमने अपने बिजनेस को चलाना है। अगर उन्हें इस तमाम बातों का, उस बंदे को इस तमाम बातों का अगर इल्म नहीं होता तो अपने कारोबार को सक्सेसफुल नहीं बना सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी मंडी से वाकफियत, यानी कि मार्केट नॉलेज। अब देखिए जब भी एक कारोबारी आदमी कारोबार करता है तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा, जब उसे इस बात का नहीं पता कि मेरी ये प्रोडक्ट किस मार्केट में बिकेगी, कौन सी मंडी में मैं इसको बेचूंगा, तो तब भी वो अपने कारोबार में मुनाफा नहीं कमा सकेगा। तो लिहाजा एक अच्छे कारोबारी आदमी को मंडी के रुझान का इलम होना चाहिए, यानी कि उसे ये पता होना चाहिए कि मंडी में किस शेयर की तलब ज्यादा है और किसकी कम है। इसके साथ साथ इसे अपने कारोबारी ग्राहकों के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए कि मेरे कस्टमर्स कौन से हैं, मेरे कस्टमर्स की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है और मैंने उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो बनानी है। जब उन सब बातों का नॉलेज होगा, उसे इन सब बातों का इलम होगा, तो वो अपने कारोबार को ज्यादा कामयाब तरीके से चला सकेगा। और आज की जो लास्ट हमारी हेडिंग है इस क्वेश्चन की वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी।
तो एक अच्छा कारोबारी आदमी सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करता है, क्योंकि जब उसने अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में चीज़ें बेचनी है, चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो कम कीमत पे अपने ग्राहकों को ज़्यादा आला मेयार की चीज़ें प्रोवाइड करे, क्योंकि जब वो कम कीमत पे आला मेयार की चीज़ें मुहैया करने की कोशिश करेगा तो उसके कारोबार की जो गुडविल है वो भी बेहतर होगी, उसका जो सोसाइटी में नाम है वो भी बेहतर होगा, और इस तरीके से उसकी जो माशरे की खिदमत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, के साथ ही आज की हमारी क्लास का जो है वो खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का उसको स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट हमारे जो चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।